नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथी में अंग्रेजी पेन किलर टैबलेट का रिप्लेसमेंट बताने वाला हूं। दोस्तों, हमारे देश में जिनकी उम्र 40 प्लस हो चुकी है उनमें से करीब 60% लोग ऐसे हैं जिनको रोज किसी ना किसी कारण से पेन किलर खाना पड़ता है। किसी की कमर में दर्द रहता है, किसी को कंधे में दर्द रहता है, किसी को घुटने में दर्द रहता है, किसी को हड्डियों का दर्द है, किसी को मांसपेशियों का दर्द है, किसी को नसों का दर्द है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दर्द निवारक टैबलेट रोज खाते ही हैं। जिन लोगों का शुगर लेवल हाई रहता है उन लोगों को भी मांसपेशियों और नसों में दर्द बना रहता है, या वे लोग जो दिन भर काम करते हैं शाम को थक जाते हैं वे पेन किलर टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी थकावट मिट जाए और उन्हें नींद आ जाए। दोस्तों, ये दर्द की दवाई लेना बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने देखा है कि लोग अपने आप ही मेडिकल स्टोर पर जाकर दर्द वाली गोली ले आते हैं और उन्हें रोज खाते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो मेडिकल स्टोर पर जाकर बोलते हैं कि मुझे हरे पत्ते वाली गोली दे दो। हरे पत्ते वाली गोली, यानी वो मेडिकल स्टोर वाला भी समझ जाता है कि ये दर्द वाली गोली की बात कर रहा है। होम्योपैथिक पेन किलर में भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं। कॉम्बिफ्लाम है, डाइक्लोफिनाक सोडियम है। इनका लगातार प्रयोग करने से ये हमारे किडनी के ऊपर और हमारे लीवर के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं दवाइयों के रिप्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। आज हम हाइपोटेंशी में एक ऐसा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे आपको हर प्रकार के दर्द में तुरंत आराम मिलेगा और इसका आप लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से 5 तरह के होम्योपैथिक डाइल्यूशन 200 पोटेंसी में खरीद कर लाने हैं। पहली दवाई का नाम है अर्निका 200, दूसरी दवाई का नाम है रस्टॉक्स 200, तीसरी दवाई का नाम है रूटा 200, चौथी दवाई का नाम है हाइपेरिकम 200 और पांचवी दवाई का नाम है सिम्फाइटम 200। ये सभी दवाइयाँ आप SBL कंपनी की 30 ml वाले पैक में ले आएं। इसके साथ साथ आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से एक खाली बोतल भी लेकर आएं जिसके ऊपर ड्रॉपर लगा हुआ हो। अब इन पांचों दवाइयों में से बराबर मात्रा में इस खाली बोतल में आपको दवाइयां डाल लेनी है। इसका ढक्कन बंद करके अच्छी तरह से इसे मिला लें और ये आपका दर्द निवारक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कॉम्बिनेशन मांसपेशियों के दर्द के लिए है, ये कॉम्बिनेशन चोट के दर्द के लिए है, ये कॉम्बिनेशन जोड़ों में होने वाले दर्द के लिए है, ये कॉम्बिनेशन चोट और वात के दर्द के लिए है। अब ध्यान ये रखें कि इसको पेट दर्द में नहीं लेना है, इसको सिर दर्द में नहीं लेना है, इसको पथरी के दर्द में नहीं लेना है, इसको महिलाओं को होने वाले दर्द में नहीं लेना है। अगर आप इन दर्द में इस कॉम्बिनेशन को ले लेते हो तो इसका साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उन दर्द में इसका कोई रोल नहीं है, ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में मैंने आपको 5 तरह की होम्योपैथिक दवाई 200 पोटेंसी में बताई है। चलिए अब जान लेते हैं कि ये दवाई कैसे काम करती है। पहली दवाई है अर्निका मोंटाना 200। ये दवाई चोट की सबसे अच्छी दवा है। अगर आपको कहीं पे चोट लग गई है और वो पुरानी हो गई है, अब उस जगह पे दर्द रहने लगा है, तो ये दर्द अर्निका मोंटाना से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और जब आपकी बॉडी में प्रत्येक अंग में ब्लड ठीक से जाएगा तो दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसके अंदर जो दूसरी दवाई है दोस्तों, वो है रस्टॉक्स 200। रस्टॉक्स वात रोग की होम्योपैथी की सबसे अच्छी दवा है। चाहे आपको गठिया का दर्द है या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो रस्टॉक्स देने से उस दर्द में तुरंत आराम मिलता है और इसके लगातार प्रयोग से दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके अंदर जो तीसरी दवाई है वो है रूटा 200। रूटा का एक्शन हमारी हड्डियों पर और हमारे जोड़ों पर होता है। अगर आपके जोड़ों के अंदर कोई विकार पैदा हो गया है, जोड़ घिसना शुरू हो गए हैं, जोड़ों में अंदर घाव बन गए हैं, तो इस कंडीशन में हमें जरूर रूटा का सेवन करना चाहिए। चौथी दवाई है हाइपेरिकम 200। हाइपेरिकम नसों के दर्द के लिए एक बहुत अच्छी दवाई है। नसों में अगर चोट लग गई है इस कारण से दर्द हो रहा है, या नस दब गई है उस कारण से दर्द हो रहा है, तो नसों के दर्द को ठीक करने के लिए हाइपेरिकम का प्रयोग किया जाता है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और इस कॉम्बिनेशन की पांचवी दवाई है सिम्फाइटम 200। सिम्फाइटम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। सिम्फाइटम देने से हड्डियों के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन बढ़ जाता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं और जोड़ों से संबंधित तमाम तरह के दर्द अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि अब इसका उपयोग कैसे करना है। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन बना लिया है
तो इस कॉम्बिनेशन को आपको रात को सोते समय केवल एक बार इस्तेमाल करना है। जैसे अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं तो हल्का गुनगुना पानी लें और उस आधे कप पानी में इस कॉम्बिनेशन की करीब 15 बूंदें डाल लें और इसे धीरे धीरे पीकर सो जाएं। एक तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपके शरीर में जो थकावट है वो ख़त्म हो जाएगी और जब आप सुबह उठोगे तो आपका दर्द पूरी तरह से गायब होगा, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन पूरी रात भर आपके दर्द को अच्छी प्रकार से चूस लेगा। दोस्तों, अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है, बहुत पुराना आपको दर्द की समस्या है, तो हो सकता है आपको आराम आने में कुछ दिन लग जाएं। तो ऐसे में धैर्य बनाए रखें और दवाइयाँ टाइम पर लेते रहें, आपको 100% आराम आएगा और आपको कोई अंग्रेजी दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।